नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन से देश भर में फैली शोक की लहर। दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में ली अंतिम सांस। भागलपुर प्रधान डाकघर परिसर में क्षेत्रीय कार्यालय का हुआ शिलान्यास। केंद्रीय संचार मंत्री ने डिजिटल माध्यम से किया शुभारंभ। डाककर्मियों में उत्साह। नवगछिया में खेलने के दौरान झाड़ी में छिपाकर रखा बम हुआ विस्फोट। बच्चे की हालत गंभीर। पटना से भागलपुर पहुंची मद निषेध विभाग की टीम ने शराब कारोबारी के घर मारा छापा। पति पत्नी गिरफ्तार। भारी मात्रा में शराब बरामद। और बांका में पुलिस प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। सड़कों पर अगजनी कर आवागमन किया बाधित। अब समाचार विस्तार से। देश के 13वें राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का निधन सोमवार की शाम दिल्ली आरआर आर्मी हॉस्पिटल में हो गया। बता दें कि प्रणब मुखर्जी कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद 10 अगस्त से दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती थे, जहां चिकित्सकों द्वारा उनके मस्तिष्क की सर्जरी भी की गई थी। तभी से पूर्व राष्ट्रपति की हालत गंभीर बनी हुई थी और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। प्रणब मुखर्जी के निधन की सूचना उनके पुत्र अभिजीत मुखर्जी ने ट्विटर के माध्यम से दी। वहीं उनकी मौत की खबर सुनते ही देश में शोक का माहौल छा गया है। प्रणब मुखर्जी को प्यार से प्रणब दा कहकर संबोधित किया जाता था और वे 2012 से 2017 तक देश के राष्ट्रपति रहे। उनकी योग्यता और देश के लिए दिए गए उनके योगदान से उन्हें 2019 में भारत रत्न के सम्मान से नवाजा गया। प्रणब दा 5 दशक तक कांग्रेस में रहे और देश के कई अहम मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। उनका जन्म पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में 11 दिसंबर 1935 को हुआ था और 31 अगस्त 2020 को 84 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। वहीं भागलपुर में भी पूर्व राष्ट्रपति के निधन की खबर से शोक का माहौल है। भागलपुर प्रधान डाकघर परिसर में सोमवार को बिहार डाक परिमंडल पूर्वी प्रक्षेत्र के रीजनल कार्यालय का शिलान्यास केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस दौरान केंद्रीय संचार मंत्री ने कहा कि डाक विभाग आम लोगों के सबसे करीब है और क्षेत्रीय कार्यालय बनने से भागलपुर बांका समेत राज्य के 18 जिले में बने 3,500 से अधिक डाकघरों के साथ जनता को भी लाभ मिल सकेगा। वहीं MLC डॉक्टर NK यादव, डाक निदेशक पवन कुमार, डाक अधीक्षक RP प्रसाद एवं पूर्णिया डाक अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से शिलापट का शिलान्यास किया। इस दौरान उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए डाक विभाग के कार्यों की सराहना की और कहा कि क्षेत्रीय कार्यालय निर्माण होने से डाक विभाग पूर्वी प्रक्षेत्र से संबंधित सभी कार्यों का निष्पादन भागलपुर में ही संभव हो सकेगा। डॉक्टर एन के यादव ने कहा कि क्षेत्रीय कार्यालय का निर्माण से डाक विभाग में और बेहतर ढंग से काम होगा, जो भागलपुर समेत 18 जिले के लोगों के लिए सुविधाजनक होगा। पटना से आए पूर्वी प्रक्षेत्र के डाक निदेशक पवन कुमार ने कहा कि शताब्दी समारोह मना चुके भागलपुर प्रधान डाकघर परिसर में 5,77,72,000 की राशि से हो रहा क्षेत्रीय कार्यालय का निर्माण 2 वर्ष में पूरा हो जाएगा। कार्यक्रम में डाक अधीक्षक ने सभी अतिथियों और डाक कर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। मौके पर मेयर सीमा शाह, BSNL के महाप्रबंधक महेश कुमार, सहायक डाक अधीक्षक NK चौधरी, प्रधान डाकघर के डाकपाल सुनील कुमार सुमन, पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर, अजय आजाद, संजय कुमार समेत कई बुद्धिजीवी, डाक निरीक्षक और डाक कर्मी मौजूद थे। आज भागलपुर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि यहाँ एक क्षेत्रीय कार्यालय डाक विभाग से शुरू किया गया है। इस कार्यालय से यहाँ की जनता तो लाभान्वित होगी ही, साथ साथ यहाँ के कर्मचारी बहुत लाभान्वित होंगे और ये शहर के विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी। जिस तरह से अपना शहर स्मार्ट सिटी है, उस तरह से यहाँ क्षेत्रीय कार्यालय भी हो गया जो 18 जिले के समस्या को यहाँ से दूर करेगा। साथ ही जो गाँव देहात में जो बहुत जगह डाकघर नहीं है, जहाँ अभी भी लोग डाकघर पर डिपेंड रहना चाहते हैं, गांव के लोग, जहां मोबाइल की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है, वो अब यहीं से संचालित होगा। पुलिस जिला नवगछिया से एक बार फिर बम विस्फोट की घटना सामने आई है। नवगछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पकरा गांव निवासी अमर राय का 9 वर्षीय पुत्र अर्जुन बगीचे में खेल रहा था। इसी दौरान बच्चे को बम दिखा, जिसे बॉल समझकर अर्जुन ने अपने हाथों में ले लिया।
बम को उठाते ही बम अर्जुन की हाथ में ही विस्फोट कर गया। मिली जानकारी के अनुसार धमाके में बालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है, जिसका इलाज परिजन द्वारा नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में करवाया गया, पर प्राथमिक उपचार के बाद बालक की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही नवगछिया पुलिस अस्पताल पहुंची और परिजनों से जानकारी लेकर मामले की जांच कर रही है। वहीं परिजनों ने बताया कि अर्जुन अन्य दिन की तरह बगीचे में खेलने गया था, जहां हाथ में बम फटने से बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। खेल रहा था बस उसी में जो है आवाज क्या हुआ हम देखे तो बच्चा छत पर आ रहा था, सोए हुए थे तब गए तो उठा के। पटना से भागलपुर पहुंची मद्य निषेध विभाग की टीम लगातार शराब कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी कर रही है। रविवार की शाम मद्य निषेध विभाग की टीम ने तिलकामांझी थाना क्षेत्र के मुंदीचक पासी टोला में छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप बरामद की। साथ ही शराब के कारोबार में संलिप्त राजू चौधरी एवं उसकी पत्नी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मद्य निषेध विभाग की टीम को मुंदीचक के पासीटोला इलाके के राजू चौधरी के घर से शराब का कारोबार करने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद तिलकामांझी पुलिस के सहयोग से छापेमारी कर 45 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया है। फिलहाल पकड़े गए दोनों तस्करों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। बांका थाना क्षेत्र अंतर्गत शंकरपुर के समीप सोमवार की सुबह ग्रामीणों का गुस्सा पुलिस प्रशासन के खिलाफ फूट पड़ा। देखते ही देखते स्थानीय ग्रामीणों ने बांका ढाका मोड़ मुख्य मार्ग पर अगजनी कर जाम कर दिया। साथ ही जोरदार प्रदर्शन एवं हंगामा करते हुए काफी देर तक पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों ने बताया कि शनिवार शाम को खड़ियारा के कुछ युवकों ने गांव में बमबाजी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद कुछ अपराधियों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था और अपराधियों ने पुलिस एवं ग्रामीणों के समक्ष अपने साथी के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन पुलिस ने अगले ही दिन अपराधी को छोड़ दिया, जिससे नाराज ग्रामीणों ने बवाल मचा दिया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही वीडियो डॉक्टर संजय कुमार, सीओ सुजीत कुमार एवं थानाध्यक्ष राजेश कुमार झा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। भागलपुर कॉटेज कंपाउंड निवासी राजेश कुमार एवं माया कुमारी के पुत्र अभिषेक प्रियदर्शी का चयन इंडियन आइडल के दूसरे राउंड के लिए हुआ है। कोरोना महामारी के कारण ऑडिशन सोनी लाइव ऐप के माध्यम से हुआ, जिसमें अभिषेक प्रियदर्शी ने हिस्सा लिया। रविवार को अभिषेक का सिलेक्शन दूसरे राउंड में होने की जानकारी ऐप और मैसेज के माध्यम से प्राप्त हुई, जिसके बाद घरवालों में उत्साह का माहौल है। अभिषेक ने बताया कि काफी दिनों से इंडियन आइडल में जाने का सपना था और इसके लिए बहुत रियाज और मेहनत करनी पड़ी। इस दौरान अभिषेक के माता पिता ने भी बेटे की सफलता पर खुशी व्यक्त की और कहा कि अपनी मेहनत के बल पर बेटा आगे बढ़े, यही कामना करते हैं। और अपने सारे डिटेल्स भरे उसमें और उसके बाद दो वीडियोज अपलोड करने का था, एक या दो का ऑप्शन रहता था और मैंने अपने दो वीडियोज उसमें अपलोड किए और 10 दिनों के बाद अराउंड नहीं 20 दिनों के बाद लगभग फिर उधर से कल मुझे फ़ोन आया और आज मुझे मैसेजेस आए कंफर्म करने के लिए कि फर्स्ट राउंड क्लियर हो चुका है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। या सुझाव 1950 चुनाव के पहले चुनाव के बाद 1950 मतदाता सूची में नाम जोड़े के प्रक्रिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बूथ के जानकारी, वोटर कार्ड कैसे बनी, ऐसा सारा सवाल के जवाब मिली 1950 पर। ये चुनाव बस एगो नंबर याद रखी, भारत निर्वाचन आयोग के टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950। अब कोनो मतदाता बिहार के कोनो कोना से कार्यालय अवधि में 1950 पर कॉल कर सकता। 1950 से अब मतदाता जानी अपन हक के जानकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है।
अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क घंटाघर के उत्तर मोक्षदा स्कूल के समीप मशाकचक भागलपुर बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे डॉक्टर शशिकर एमडी रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी एमआरआई स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा। डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच। डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG। अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर में मुहर्रम की 11वीं तारीख पर शिया समुदाय की ओर से मातमी जुलूस नहीं निकाला गया। दरअसल प्रत्येक वर्ष आसानंदपुर बड़ा इमामबाड़ा परिसर से शिया समुदाय के लोग अलम एवं जुलजना का जुलूस निकालते थे, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण और सरकारी दिशा निर्देश का पालन करते हुए किसी भी प्रकार का सामूहिक आयोजन नहीं किया गया। सोमवार को बड़ा इमामबाड़ा से रैपिड एक्शन फोर्स एवं ततारपुर पुलिस की मौजूदगी में शिया वक्फ कमेटी के जिला सचिव सैयद जिजा हुसैन, सैयद इमरान, जमीन अब्बास और फैज नकी ने रश्मदा करते हुए शाहजंगी जाकर पहलाम कर दिया। सैयद जिजा हुसैन ने बताया कि जिला प्रशासन से मिली गाइडलाइंस के अनुसार पहली मुहर्रम से लेकर 10वीं तारीख तक बड़ा इमामबाड़ा पर कार्यक्रम हुआ। वहीं समाजसेवी डॉक्टर सलाउद्दीन हसन ने कहा कि शिया समुदाय के लोगों ने मुहर्रम के मौके पर प्रशासन का काफी सहयोग किया है। जो बुराइयां हैं उसे दूर करता है, जो नेकियां और अच्छाइयां हैं ताकि हर इंसान में आ जाए। जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से भागलपुर कोतवाली थाना परिसर में सोमवार को लोगों के बैठने के लिए जनता बेंच लगाया गया। जनता बेंच का उद्घाटन सिटी DSP राजवंश सिंह, जीवन जागृति के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह और कोतवाली इंस्पेक्टर अमर विश्वास ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मौके पर सिटी DSP राजवंश सिंह ने डॉक्टर अजय के कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि शेड के नीचे बेंच लग जाने से थाना आने वाले लोग छांव में बैठकर खुली हवा का आनंद ले सकते हैं। वहीं जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि हमारी संस्था शहर से लेकर गांव तक जनता की सहूलियत के लिए सार्वजनिक स्थान पर बेंच लगाने का काम पिछले कई महीने से कर रही है। एक फिक्स जगह कर दिए हैं, ऐसे तो अंदर भी जगह होती है लेकिन कभी कभी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो लोग जो आते हैं अपना फरियाद के लिए तो उनको दिक्कत होती है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है, सीमेंट का बेंच है जो लंबे समय तक रहता है और लंबे समय तक टूट फूट इसमें नहीं होता है। भागलपुर हेड पोस्ट ऑफिस के समीप यूनियन बैंक के रीजनल ऑफिस का शुभारंभ सोमवार को बैंक के आरंभ अशोक उपाध्याय ने फीता काटकर किया। क्षेत्रीय प्रबंधक अशोक उपाध्याय ने कहा कि बैंक के रीजनल कार्यालय के खुलने से अब ग्राहकों को और बेहतर सेवा मिल सकेगी, जिससे ग्राहकों के साथ बैंक के कर्मियों को भी कार्य में सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि भागलपुर समेत 14 जिले में 59 शाखाओं को रीजनल ऑफिस खुलने से लाभ होगा।
साथ ही कहा कि ग्राहकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना ही यूनियन बैंक का मुख्य लक्ष्य है। मौके पर मेयर सीमा शाह, जीप अध्यक्ष टुनटुन शाह, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार भगत समेत काफी संख्या में बैंक कर्मी और अतिथि मौजूद थे। फॉर बिहार गर्ल्स बटालियन के द्वारा सोमवार को SS बालिका इंटरस्थलीय उच्च विद्यालय में नवी कक्षा की छात्राओं का NCC के लिए चयन किया गया। इस दौरान सभी छात्राओं की फिजिकल जांच कर कुल 60 छात्राओं का ट्रेनिंग के लिए चयन किया गया। छात्राओं की चयन प्रक्रिया में NCC के पदाधिकारी सुबेदार राज सिंह, हवलदार कोटापूर्ति सीमा कुमारी एवं मीना कुमारी शामिल थे। आज SS गर्ल्स हाई स्कूल नाथनगर भागलपुर में NCC में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इसमें 50 बच्चों का सिलेक्शन होना है, जिसमें 86 बच्चों ने अपना आवेदन दिया है। इसमें दौड़ और हाइट और वेट के अनुसार बच्चों का सिलेक्शन होगा। बिहार में चुनाव अपने निश्चित समय से होगा, इसको लेकर पूरे बिहार में हलचल तेज हो गई है। तमाम पार्टियों के नेता अपने अपने क्षेत्र में टिकट को लेकर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो वहीं कई पार्टियों के नेता अपनी दावेदारी को लेकर पटना कार्यालय में हाजिरी लगा रहे हैं। ऐसे में राजद के कार्यकर्ता रंजन सिंह ने सुल्तानगंज विधानसभा सीट राजद का हो, इसको लेकर मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि रंजन सिंह पूर्व में नाथनगर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। और अभी महागठबंधन के बड़े पार्टी भी राजद ही, और उसके हम लोग कार्यकर्ता हैं। सुल्तानगंज विधानसभा से हम लोगों की यही मांग है कि सुल्तानगंज सीट राजद के खाते में जाए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लगातार वर्षों से आंदोलन, हर तरह का आवाज़ उठाते हुए आते हैं, अपने संगठन को मजबूत किए रहते हैं, और जब समय आता है तो हम लोगों के हाथ से सीट निकल जाती है। इस चीज़ का अफसोस सभी कार्यकर्ताओं में है, और ये सीट सुल्तानगंज को होना चाहिए। भागलपुर सिटी DSP राजवंश सिंह का शेखपुरा तबादला होने के बाद सम्मान समारोह का सिलसिला लगातार जारी है। शहर की कई संस्था सिटी DSP के कार्यों से काफी प्रभावित है। वहीं भागलपुर जमीयत उलेमा की ओर से DSP राजवंश सिंह को कोरोना वॉरियर्स का सर्टिफिकेट और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर भागलपुर जमीयत उलेमा के उपाध्यक्ष हाजी इम्तियाज और जनरल सेक्रेटरी मौलाना शम्स तबरेज रहमानी ने कहा कि DSP राजवंश सिंह एक काबिल और सुलझे हुए अफिसर हैं, जिनके कारण रेशमी शहर कई बार दंगे की आग से बचा रहा। बांका जिला कटोरिया प्रखंड के घोरमारा पंचायत तरगच्छा गांव के ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव में वोट बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। गांव में मूलभूत सुविधाओं को लेकर ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाते हुए जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं वोट बहिष्कार की खबर सामने आते ही अधिकारियों ने गांव का दौरा करना शुरू कर दिया। स्थानीय प्रमोद यादव ने बताया कि गांव में सड़क निर्माण होने के बाद ही चुनाव में ग्रामीण वोट करेंगे। कहलगांव रसलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुरमा अमरपुर पनखोरिया गांव में सोमवार की सुबह कुएं में गिरने से वृद्ध की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि 60 वर्षीय रतन मंडल प्रत्येक दिन अपने घर के पास ही कुएं से पानी लेने जाते थे। सोमवार की सुबह पानी भरने के दौरान अचानक पैर फिसल जाने से वह कुएं में गिर गए। गहरे पानी में जाने एवं कुएं की दीवार में टकराने से वृद्ध के शरीर में गंभीर चोटें आई, जिससे उनकी मौत हो गई। चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन से देश भर में फैली शोक की लहर, दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में ली अंतिम सांस। भागलपुर प्रधान डाकघर परिसर में क्षेत्रीय कार्यालय का हुआ शिलान्यास, केंद्रीय संचार मंत्री ने डिजिटल माध्यम से किया शुभारंभ, डाक कर्मियों में उत्साह। नवगछिया में खेलने के दौरान झाड़ी में छिपाकर रखा बम हुआ विस्फोट, बच्चे की हालत गंभीर। पटना से भागलपुर पहुंची मद निषेध विभाग की टीम ने शराब कारोबारी के घर मारा छापा, पति पत्नी गिरफ्तार, भारी मात्रा में शराब बरामद। और बांका में पुलिस प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, सड़कों पर अगजनी कर आवागमन किया बाधित। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।